हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपोर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच यह खेला जाना है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम पर दो और मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान 7 नवंबर को आपस में टकराएंगी। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल यहीं पर होना है। आज के इस वीडियो में हम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का पिच रिपोर्ट देखते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे इन आगामी 3 मुकाबलों में ये पिच कब कैसा खेलेगी, पिछले जो 2 मुकाबले इस वर्ल्ड कप में इस वेन्यू पर हुए हैं उसमें हमें कैसा स्टैट्स देखने को मिला है, पिच कैसा खेलती है, स्टैट्स क्या कहते हैं, ढेर सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जुट रहे हैं। जबरदस्त नॉलेजेबल वीडियो है, अब तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप सीधे भी क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके टेलीग्राम पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम टॉस के बाद कौन सी पिच पे मुकाबला होगा इसका ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देते हैं। साथ ही उस पर्टिकुलर मुकाबले का पिच से क्या रोल रहने वाला है, किसकी किसको फेवर करेगी ये पिच, और सबके लिए बिल्कुल फ्री में एक फैंटेसी टीम भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वानखेड़े की पिच की ओर, तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छी बैटिंग ट्रैक देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ी तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है इस पिच से शुरुआती कुछ ओवरों में, खासकर लाल मिट्टी की जब पिच होती है और शुरुआती तेज गेंदबाजी थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस ज़्यादा दिखाती है, तो उसमें थोड़ा सा बल्लेबाजों को ट्रैप कर देते हैं तेज गेंदबाज। इसके बाद यहाँ पर अच्छी बैटिंग होती आई है। वैसे पिछले मुकाबले को लेके अब तक इस वेन्यू पर कुल मिला के पिछले मैच को लेकर 25 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले हो चुके हैं, और इन मुकाबलों में 14 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 11 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 245 का है, हाईएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका के नाम है, जो कि भारत के अगेंस्ट इस वेन्यू पे 4 विकेट पे 438 रन बनाई थी। लोवेस्ट टोटल में बांग्लादेश का नाम आता है, जो कि भारत के ही सामने 115 बना के ऑल आउट हुई है। और अगर इन 25 मुकाबलों में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 200 से कम 6 बार देखने को मिला है, 200 से 249 तक का योग 4 बार, 250 से 299 तक का योग 11 बार, तो 300 प्लस भी इस वेन्यू पर 4 बार देखने को मिल चुका है। बाउंड्री यहां पर भी काफ़ी छोटी देखने को मिलती है, स्ट्रेट बाउंड्री 66 मीटर के रेंज में, तो स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर के रेंज में देखने को मिलती है। वैसे बात करें हम पिछले 2 मुकाबलों की, जो कि इस वेन्यू पे हुए थे, तो इस वर्ल्ड कप में वानखेड़े पे पहला मुकाबला हुआ था 21 अक्टूबर को, जब इंग्लैंड के सामने साउथ अफ्रीका थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करने उतरती है और हेनरिक क्लेसन की जबरदस्त सेंचुरी, और इसके अलावा रीजा हेनरिक, रासी वांडे ड्यूसेन और मार्को जेंसन की जबरदस्त 50 की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट पर 399 रन का पहाड़ नुमा स्कोर बनाती है। और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम, जो कि बेहद ख़राब फॉर्म से जूझ रही है पूरे वर्ल्ड कप में, मात्र 170 बना के ऑल आउट होती है। मुकाबले में गिरते हैं 17 विकेट, जिनमें तेज गेंदबाज पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं 13 विकेट अपने नाम लेके, तो स्पिनर्स के नाम सिर्फ 3 विकेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा और अंतिम मुकाबला इस वेन्यू पर अब तक का इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है, वो देखा गया था 24 अक्टूबर को, और इस बार साउथ अफ्रीका के सामने बांग्लादेश की टीम थी, लेकिन रिजल्ट सेम वही हुआ। साउथ अफ्रीका टीम पहले बैटिंग करने उतरती है और इस बार क्विंटन डिकॉक की जबरदस्त 174 रन की धमाकेदार इनिंग, इसके बाद एडन मार्करम की 60, और इसके बाद अंतिम ओवरों में हेनरिक क्लेसन की ताबड़तोड़ 90 रन की बदौलत 5 विकेट पर एक बार फिर से 382 का पहाड़ स्कोर खड़ा करती है। जवाब में बांग्लादेशी टीम शुरू से ही स्ट्रगल करते जाती है, केवल मोहम्मदुल्ला वन मैन आर्मी की तरह से 111 रन बना के किसी तरह से बांग्लादेश को 200 से ऊपर का योग टांगने में सफल कर पाते हैं, लेकिन बड़े आसानी से साउथ अफ्रीका एक बड़े मार्जिन से ये मुकाबला भी जीत ले जाती है। इस मुकाबले में गिरते हैं कुल मिला के 15 विकेट, जिसमें आप देख सकते हैं एक बार फिर से तेज गेंदबाज हावी रहते हैं। इन 15 विकेटों में 12 विकेट तेज गेंदबाजी के नाम, तो स्पिनर्स के नाम आते हैं 3 विकेट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 2 मुकाबला हुआ है और दोनों ही मुकाबलों में साउथ अफ्रीका पूरी तरह से हावी रही है और 350 से ज़्यादा का योग बनाई है, तो दूसरी जो अपोनेंट टीम है वो उसको सस्ते में आउट भी की है। तो कुल मिला के इन 2 मुकाबलों में 32 गिरते हैं। पहले इनिंग में गेंदबाजी करने वाली टीम 12 विकेट लेती है और दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करने वाली टीम को 20 इन 32 विकेटों में कुल मिला के तेज गेंदबाजी कंट्रीब्यूशन 25 विकेट का रहता है।
8 विकेट मिलते हैं पहले इनिंग के तेज गेंदबाजों को, दूसरे इनिंग के तेज गेंदबाजों को 17 विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को मिलते हैं यहाँ पर सिर्फ 6 विकेट। अब दोस्तों मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर होना है, तो अगर हम दोनों टीमों का स्टैट्स इस वेन्यू पर देखें तो भारत ने यहाँ पर 20 मुकाबले खेले हैं, 11 मुकाबलों में जीत का साथ मिला है, तो 9 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वहीं पर श्रीलंका का परफॉर्मेंस देखें तो श्रीलंका ने यहाँ पर 5 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत तो 3 में हार का सामना करना पड़ा था। और अगर इस वेन्यू पर हम भारत और श्रीलंका का हेड टू हेड स्टेट्स पर्टिकुलर वेन्यू की ओर से देखें तो 3 मुकाबले हुए हैं, भारत को 2 में जीत हाथ लगी है और श्रीलंका को मिली है सिर्फ 1 जीत। लेकिन पूरे ओवरऑल आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई में अगर हम देखें तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम बराबरी का टक्कर देती दिख रही है भारत को। दोनों देशों के बीच 9 वनडे हुए हैं और 4 वनडे भारत को जीत हाथ लगी है, तो 4 मुकाबलों में श्रीलंका को जीत हाथ लगी है, 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो आप समझ सकते हैं निश्चित तौर पर भारतीय टीम फेवरेट कंडीशन में दिख रही है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर कमजोरी में तैयारी के साथ नहीं आना चाहेगी। वीडियो में इतना ही, एक बार फिर से आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।